घटक में भी बजा टीम इंडिया का डंका। दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 15 रन से मात देकर भारत ने सीरीज पर जमाया कब्जा। युवराज और धोनी के धुआंधार शतकों की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा था 382 का पहाड़ सा स्कोर। 8 विकेट खोकर 366 रन ही बना सकी इंग्लैंड टीम। 150 रनों की आतिशी पारी खेलने वाले युवराज बने मैन ऑफ द मैच। 2011 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार जमाया शतक। लंबे समय बाद पूरे रंग में दिखे युवराज। 127 गेंद पर 21 चौके और 3 छक्कों की मदद से तूफानी 150 रन बनाए। युवराज के साथ धोनी ने भी अंग्रेजों की जमकर ली खबर। 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से 122 गेंदों पर बनाए 134 रन। युवराज ने वनडे में बनाया अपना सर्वोच्च स्कोर। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 150 का स्कोर करने वाले पहले भारतीय। 5 ओवर के भीतर टॉप के 3 बल्लेबाज लौट चुके थे पवेलियन। धोनी और युवराज ने चौथे विकेट के लिए 256 रन जोड़कर टीम को दी मजबूती। शिखर धवन और केएल राहुल सस्ते में लौटे पवेलियन। पहले वनडे में दमदार शतक लगाने वाले विराट 8 रन बनाकर हुए आउट। इंग्लैंड की ओर से कप्तान मॉर्गन ने खेली 102 रनों की पारी। जेसन रॉय ने बनाया 82 रन। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे 22 जनवरी को कोलकाता में। 26 जनवरी से 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज। इंग्लैंड के खिलाफ धोनी ने भी बनाया रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने टीम की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, लिखा, शानदार इंडिया, जबरदस्त। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी युवराज की तारीफ में किया ट्वीट, पहले कैंसर को हराया, अब इंग्लिश गेंदबाजों को। हर कोई सीख सकता है, कभी हार नहीं माननी चाहिए। पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने टीम इंडिया को ट्वीट कर दी बधाई, लिखा, क्या मैच था, टीम इंडिया को मैच और सीरीज जीतने पर बधाई। अभिनेत्री काजोल ने युवराज की पारी की तारीफ की, लिखा, शानदार वापसी, बहुत बढ़िया खेला, शानदार जीत पर टीम इंडिया को बधाई। यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन का आज हो सकता है औपचारिक ऐलान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, राजबब्बर, सीएम अखिलेश और रामगोपाल से करेंगे मुलाकात। यूपी में सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी। अजीत सिंह की आरएलडी से नहीं बनी बात। 300 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस के खाते में जा सकती है 100 के करीब सीटें। अंसारी बंधु से पीछा नहीं छुड़ा पाए अखिलेश। मुलायम की लिस्ट से मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला को टिकट तय। मुलायम की लिस्ट से गायत्री प्रजापति को मिल सकता है टिकट, लेकिन अमन मणि पर फंसा पेच। आज पहली सूची जारी होने के संकेत। समाजवादी पार्टी ने काटा आतिक अहमद का टिकट। बाहुबली नेता ने बड़ा किया दिल, बोले, अखिलेश की छवि पर नहीं चाहते कोई दाग। नेताओं और विधायकों के साथ चुनावी रणनीति पर अखिलेश की माथापच्ची। मुख्तार अंसारी के भाई और राजा भैया भी रहे मौजूद। यूपी चुनाव में अकेली उतरेगी राष्ट्रीय लोकदल, कहा, बीजेपी के दबाव में है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी से ठोकर खाकर जार जार रोए गुड्डू पंडित, आरएलडी से चुनाव लड़ने का दावा। समाजवादी पार्टी से निकाले गए गुड्डू पंडित को बीजेपी ने भी नहीं दिया टिकट। विधायक भाई नरेश पंडित का भी हाल बेहाल। यूपी के लिए बीजेपी आज करेगी 150 उम्मीदवारों के नाम घोषित। पीएम मोदी की मौजूदगी में देर रात तक नामों पर हुआ मंथन। दिल्ली तक पहुंचा यूपी में टिकटों को लेकर असंतोष। अमित शाह के घर के बाहर बीजेपी नेता का प्रदर्शन। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चुनावी जुलूस में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक। उत्तराखंड और यूपी में सीटों को लेकर माथापच्ची। आज पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल की सीट पर प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। रैली को करेंगे संबोधित। टॉक टू एक एक कार्यक्रम को लेकर सीबीआई जांच पर मनीष सिसोदिया का हमला। ट्वीट किया, मैं सुबह से कर रहा था इंतजार।
मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने शुरू की जांच, सोशल मीडिया पर केजरीवाल के आरोप। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर हाईकोर्ट ने शहरी विकास मंत्रालय को जारी किया नोटिस, पूछा किस आधार पर स्कूलों को दी गई थी जमीन। नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, अभी जारी रहेगी सुनवाई। 26 जनवरी को लेकर आईबी ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में बढ़ाई गई सुरक्षा। कानपुर ट्रेन हादसे को प्रेशर कुकर बम से अंजाम देने का आरोपी का दावा, एटीएस कर रही है मोतीलाल पासवान के बयान की जांच, काठमांडू में गिरफ्तार है मास्टरमाइंड ब्रजकिशोर गिरी। बीएमसी चुनावों के लिए आज बीजेपी शिवसेना के सामने रखेगी 114 सीटों की वार्ड लिस्ट, देर रात तक हुई है बैठक में लिस्ट फाइनल, जवाब में शिवसेना भी रखेगी अपनी लिस्ट। भारतीय जनता पक्ष पार्टी का जो प्रस्ताव 50-50% जगह लड़ने का जो है उसके बारे में हमने तैयार किया है, हम शिवसेना के नेताओं को कल उसको देंगे। आज लोक लेखा समिति के सामने पेश होंगे आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, नोटबंदी पर सवालों के देंगे जवाब। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के 27 साल पूरे, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने वापसी के लिए पास किया प्रस्ताव। जलीकट्टू को लेकर जारी जंग के आज और तेज होने के हैं आसार, पूरे चेन्नई में स्कूल कॉलेज समेत व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। जलीकट्टू पर बैन के खिलाफ डीएमके ने बुलाया प्रदेशव्यापी रेल रोको अभियान, पार्टी प्रमुख स्टालिन भी प्रदर्शन में होंगे मौजूद। पूरे तमिलनाडु में आज चरमरा सकती है यातायात व्यवस्था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ऑटो और कैब चालकों ने किया हड़ताल का ऐलान। दिल्ली तक पहुंची जलीकट्टू की जंग, बैन हटाने की मांग को लेकर तमिल छात्रों ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। तमिलनाडु के त्रिची में दीवानगी की हद तक जलीकट्टू को समर्थन, ब्याह के फौरन बाद प्रदर्शन में शामिल हुआ दंपति। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में नाले में गिरा 6 साल का मासूम, अस्पताल में तोड़ा दम। यूपी के मुजफ्फरनगर में वाहन चेकिंग के दौरान 3,50,000 रुपए जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए लिया हिरासत में। यूपी के हाथरस में अवैध तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश, 7 तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में अकबरपुर के एसडीएम नरेंद्र सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, फोन करने वाले ने खुद को गृह सचिव बताया। वाराणसी में डेंटल क्लिनिक की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 महिलाओं और 3 पुरुषों को संदेहास्पद हालत में पकड़ा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 5 लाख रुपए की अवैध शराब की 95 पेटी जब्त, फेरन सिंह नाम का शख्स हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सीसीटीवी से 5 घंटे में सुलझी दुकान में चोरी की वारदात, पुलिस ने आरोपी नौकर को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी ने की गिरफ्तारी। हरियाणा के नारनौल में गैंगरेप और हत्या के 3 आरोपियों को फांसी की सजा, अक्टूबर 2014 में 9 साल की बच्ची के साथ वारदात को दिया था अंजाम। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बच्ची से छेड़खानी और किडनैपिंग के आरोप में युवक की जमकर पिटाई, भीड़ ने पीट पीट करके आदमरा। यूपी के फतेहपुर में 20 लाख की फिरौती के लिए दोस्तों ने अपने ही 2 दोस्तों का किया अपहरण, पुलिस ने 1 अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार, 5 फरार। यूपी के जालौन में 3 बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने दबोचा, 1 बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बहराइच में पत्नी का हत्यारा पति गिरफ्तार, पैसों के लालच में प्यार में फंसाकर की थी शादी, नाकाम रहने पर किया मर्डर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक्सरे ऑपरेटर ने की महिला से छेड़छाड़, पुलिस ने केस किया दर्ज। बिहार के सीतामढ़ी में सरपंच पति हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार, अपराधियों से 2 देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद। इलाहाबाद में 1 कार से 50 लाख रुपए बरामद, कार सवार 3 लोग हिरासत में। यूपी के हरदोई में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद। कानपुर के विजया बैंक से 10 लाख के नए नोटों की चोरी का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दबोचा, बैंक में चपरासी था आरोपी।
वाराणसी के पंच मंदिर में चोरों ने भगवान श्री कृष्ण की अष्ट धातु मूर्ति पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के देवरिया में शौच के लिए गई महिला की गला काटकर हत्या, हत्या की वजह का खुलासा नहीं। दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दबोचा, 17 मोटरसाइकिल बरामद। गुरुग्राम में जीजा की हत्या के आरोपी साले ने किया सरेंडर, पत्नी से अवैध संबंधों के चलते कुल्हाड़ी से काटकर किया था मर्डर। मध्य प्रदेश के इंदौर से नाभा जेल ब्रेक में शामिल गैंगस्टर कुलप्रीत सिंह उर्फ नीटा दयोल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर 24 जनवरी तक मिली रिमांड। राजस्थान के धौलपुर में माता पिता से नाराज होकर घर से भागी 16 साल की नाबालिग को पुलिस ने खोजा, घर जाने से मना करने पर छात्रावास में रखा गया। यूपी के फैजाबाद में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा बंदोबस्त कड़े, स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया तलाशी अभियान, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। राजस्थान के शिक्षक भर्ती घोटाले में कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत 5 आरोपियों को 1 फरवरी तक जेल, कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज। समस्तीपुर के सांसद रामचंद्र पासवान की 50,000 के इनामी अपराधी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल, 2013 से जेल से फरार है अपराधी राम उत्तीर्ण पासवान। पंजाब के फरीदकोट में मॉडर्न जेल के बाहर लगे पोस्टरों ने उड़ाई पुलिस की नींद, पोस्टरों में गैंगस्टर गुरप्रीत सेखों के गैंग, जेल में बंद साथियों को छुड़ाने की धमकी दी। हरियाणा के जींद में गेस्ट हाउस में चूहा छोड़ने पर एसडीएम ने एक युवक को सुनाई अनोखी सजा, चूहे को दोबारा पकड़कर पिंजरे में डलवाया, गुस्से में लोगों ने लगाया जाम। राजस्थान के झुंझुनू में शिक्षा मंत्री को खुश करने के लिए स्कूली बच्चों पर अत्याचार, इंतजार में घंटों ठंड में ठिठुरे मासूम। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में ऑर्डर में देर होने पर रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारियों की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दिल्ली के एक स्कूल में 11वीं के छात्र ने महिला टीचर को टॉयलेट में बंधक बनाया, शारीरिक संबंध बनाने की दी धमकी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में युवक के साथ बेरहमी, चोरी का आरोप लगाकर आईटी कंपनी के एग्जीक्यूटिव की बेरहमी से पिटाई। गाजियाबाद के साहिबाबाद में बच्चा चोरी की वारदात से हड़कंप, सीसीटीवी में कैद हुई आरोपी महिला। बिहार के गया में टल गया बड़ा हादसा, पलामू एक्सप्रेस की टाटा सफारी से टक्कर, अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मुंबई के कुर्ला में गोडाउन में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई राख, 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने पाया काबू। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन से 25 से 30 साल के युवक की जली लाश बरामद, शिनाख्ती में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश, 19 तमंचे, 15 कारतूस और तमंचे बनाने के उपकरण जब्त। राजस्थान के उदयपुर में भारत इंग्लैंड मैच पर सट्टा लगाते 2 गिरफ्तार, 3,600 रुपए कैश और 7 मोबाइल हुए जब्त। झारखंड के जमशेदपुर में आशीर्वाद देने के नाम पर साधु ने दूल्हे को लूटा, नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को दिया अंजाम। यूपी के आजमगढ़ में मुठभेड़ में 12,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस को काफी वक्त से थी धर्मेंद्र पासी की तलाश। यूपी के बस्ती में 48 घंटे में 3 लड़कियों के शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के भिंड में झील में गिरी कार, कार सवार 6 युवकों में से 4 को निकाला गया, 2 की तलाश अभी जारी है। बिहार के समस्तीपुर में पत्रकार हत्याकांड का खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार, 3 लाख रुपए में पत्रकार के भाई ने दी थी सुपारी। बिहार में खाकी वर्दी के मुलाजिम में खोली शराबबंदी की पोल, कटिहार में नशे में धुत सिपाही ने युवक पर किया चाकू से हमला। औली में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड, पूरी तरह से जम गया कृत्रिम झील का पानी। कश्मीर घाटी में लोगों को थोड़ी राहत, एक तरफ के ट्रैफिक के लिए खोला गया है जम्मू श्रीनगर हाईवे। कम नहीं हो रही शिमला में लोगों की मुश्किलें, शीत लहर की वजह से बिजली की लाइन की मरम्मतों में हो रही है परेशानी। हरियाणा और पंजाब में शीत लहर और कोहरे का कोहराम, 3.5 डिग्री के करीब पहुंचा अमृतसर का तापमान। राजस्थान में भी शीतलहर का सितम, घने कोहरे ने मचाया कोहराम। आज दुनिया के सबसे ताकतवर पद पर काबिज होंगे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति पद की लेंगे शपथ।
ट्रंप के उद्घाटन समारोह के मद्देनजर किले में तब्दील हुआ वॉशिंगटन डीसी। प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए बढ़ाई गई है सुरक्षा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ट्रंप ने लिंकन मेमोरियल में बुलाई रैली। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दिया नाम। वॉशिंगटन में शुरू हुआ ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का जश्न। भारतीय कलाकारों को भी पहली बार मिला मौका। मीका सिंह और मनस्वी ममगाई देंगे परफॉर्मेंस। उद्घाटन समारोह से पहले ट्रंप ने अपने कैबिनेट सदस्यों और स्टाफ को दिया लंच। पत्नी मेलेनिया भी रही मौजूद।